पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई कप्तान शॉन मसूद कहते हैं मुखालिफ टीम को कमजोर नहीं लेते, कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज अपने नाम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए शॉन मसूद ने कहा रावलपिंडी की कंडीशंस फास्ट बॉलर्स और बैटर्स को सपोर्ट करती हैं। हम खत्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा दो घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। तवानाई के शोबे में असलाहत नागुजीर हैं, IPP से मुतालिक जल्द खुशखबरी देंगे। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद जवानों की तरबियत, मुख्तलिफ तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और मुख्तलिफ ज़ेली निज़ामों की कारकर्दगी का जायज़ा लेना था। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं, इख्तलाफ हो सकता है, कोई अपने मुल्क से नाराज नहीं हो सकता। वजीर खारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते, इत्तेहाद में ही ताकत है, किसी भी खुशहाल कौम की बुनियाद तालीम पर होती है। आए अफहाम व तफहीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं, इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करके मुल्क की जड़ें मजीद मजबूत करें। और अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी के मामले पर जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। तहवील में लिए गए मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल, मुलाजमीन के जेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अब तक 13 मुलाजमीन हिरासत में लिए जा चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।